अभिषेक उर्फ वीरू हत्याकांड में हमने पहले दो आरोपियों को अरेस्ट किया था, उसके बाद हमने उनको पीसी रिमांड पे लिया और कई साक्ष्य संकलन किए, बीटीएस डाटा, सीडीआर वगैरह जो हमने संकलित की, उनमें हमने एक नया आरोपी और गिरफ्तार किया है। उमर है जिसका नाम और चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला है। तो उसको पूरी घटना की जानकारी थी, उसने इन लोगों की मदद करी, आज हमने उसको अरेस्ट किया है, कल पेश करेंगे और पीसी रिमांड भी लेंगे उसको। किस प्रकार से आपको मतलब अंदाजा हुआ कि उसने इस घटना में ये, हमने जब मुलजिमों से तफ्तीश करी, उनकी सीडीआर पता करी और भी हमने जो भी साक्ष्य जुटाए पिछले चार दिनों में, तो हमारे सामने कई नई चीज़ें सामने आई जिनमें हमने उमर को अरेस्ट किया। उमर ने कुछ बताया? हाँ, उमर ने बिल्कुल अपना जुर्म स्वीकार किया है, उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया है। जो पूरा मामला हुआ, ये किस प्रकार से हुआ? 27 सितंबर की समय करीब 9:30 बजे इन लोगों ने, दोनों आरोपियों ने अभिषेक को बुलाया, उसके बाद इसको ये पावर हाउस के पास ले गए, वहाँ इन्होंने चाकू से इस पर वार किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उसको गाड़ी की डिग्गी में बंद करके और एक सुनसान जगह पे जो चोरू रोड है वहाँ पे ले गए, वहाँ ले जाके पत्थर से इसकी सिर कुचल कर इन्होंने हत्या कर दी। उसके बाद 10:15 पे इन्होंने उसको तालाब में डाल दिया, यानी कि 45 मिनट में इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दे दिया। तो जैसा कि उनको पता लग गया कि वो अभी पूरा मरा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पर उन्होंने आप बताया कि पावर हाउस के पीछे जो हाँ, उसने काफ़ी संघर्ष भी किया, बचने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसको नहीं छोड़ा। इस मामले में अभी अनुसंधान जारी है, जो भी नई चीज़ें सामने आएंगी, जो भी नए आरोपी सामने आएंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।